अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद तो टेबल को ठीक होंगे। और मेरी दुआ है मेरे देखने वाले जहाँ रहे हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। जब हैं हाँ मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग के टाइम में ये आइसक्रीम खा रहे हैं और ये आइसक्रीमें घर की बनी हुई है। भाई आपको पता है किसने बनाई है? आपने। अच्छा ये देखें जी, ये रात को आइसक्रीम की खाली डबियों में मिल्क शेक। इन बच्चों को सारी रात नींद भी आई है, यही नहीं आई? आई है, आई है। ये इसका ख्याल नहीं था कि ये खाने हमने सुबह सुबह उठते ही। अभी नमाज पढ़ी है और इनको पहले अपनी आइसक्रीमें याद आ गई है, हमने आइसक्रीम खानी है। स्कूल की तैयारी की ना, क्या हुआ है? उसका सर पकड़ा है, हमजा का कितना दर्द हो रहा है, सर पकड़ा तो घुमा घुमा के दीवार में मार रहा है। मैं 10 मिनट कहती हूँ, टक्करे मारे। आपने कभी बीमारी है ऐसे? नहीं ना। अच्छा मैं बोलती हूँ अभी मैम 10 मिनट को, आप ना बोला करो ना, चुप करके शरीफ बन के बैठा रहा करो। मुझे तो ये बदमाश लगता है। चुप करूं? अच्छा चुप है भाई, चुप है। जल्दी करो, चलो जब जल्दी सफाइयां कर लेते हैं उसके बाद आपसे मुलाकात करते हैं ना। हमने अपने कल के शाम की रेसिपी ना पाई कि वो आपके साथ शेयर करेंगे अभी आगे चल कर ना। हमारा सारा काम हो चुका है और जो कल मैंने पाए बनाए थे वो गर्म कर रही हूँ, बच्चों के लिए चाय रख रहे हैं और हस्बैंड को आज मैंने उठाए रखा है। मैंने कहा भाई मेरे से बार बार ना किचन में नहीं आया जाता है, क्योंकि बच्चे चले जाते हैं, ये उठ जाते हैं और फिर कहते हैं मेरा नाश्ता भी कराओ। और फिर ये तो नहीं है हमारे घर में, मेरे घर ये तो नहीं है ना कि नाश्ता मतलब बना के मैं हॉट पॉट में रख दूं, नहीं, फौरन चाहिए होता है ना इनको। जी बेटा ये क्या है इस चीज को? मम्मा देखो मैं बांधती हूँ ना, इधर आकर दिखाओ, इधर आकर। हाँ क्या है मम्मा? तो मैं ना इसको बांध के नीचे हो जाती है। अच्छा फिर इसको क्या करें? इसको बस सही करवा, सही करवा दूँ। चलो अभी आप रखो इसको साबुन में। नहीं अम्मी अब ये सही नहीं होती, जब आप वो करोगे ना क्या बड़े हो जाओगे फिर ये खुद बखुद ठीक हो जाएगी। मम्मी तो मेरे पाँव तक क्या पूरी। ओके चलो रख के आओ। हाँ आप क्यों खोल रहे हो? क्या खा रहे? रात इन्होंने वो आइसक्रीम गिराई है। हाँ तूबा की तो वो स्मेल हो रही है ऊपर वाले खाने में, अब वो कल सारा दिन बंद रहेगा, रात को मैं बंद कर दूंगी इसको तो फिर ये नीट हो जाएगा। हमजा चलो इसको बैठ दे। हमजा आटा जो है ना वो कम पड़ रहा है ना, आप आटा निकालो बहना, अगर गूंद दे दिया साले सुबह को बोलो जल्दी है। मम्मा निकाली मैं घर अकेले रह गई। क्यों? ये तो जूते ही नहीं है, इसका जंगली बाउंड है। मम्मा एक घर में कोई जूते नहीं है? नहीं तो कोई है वो है मेरा पहनती था तो कल पहना हुआ था पाए सलाद और तो तू भाई बाबा को दो। ये लो हमजा ये बाबा को देवा पानी। मैं नहीं तप्पी कड़ी बाल थोड़े से इच की थी पेन।
ये है जी मेरा नाश्ता। आज हमने उलट किया है, हमने नेक्स्ट दिन की जो शाम की रूटीन है ना वो अब आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जब हम बाजार से आए थे, हम आए हैं, आए हुए तो मुझे एक घंटा हो चुका है लेकिन अभी तक मेरी तबीयत जो है ना वो फ्रेश नहीं हुई है। शॉपिंग करके आपको पता है हम अभी पहुँचे हैं और मैं शॉपिंग की बनाई थी आपने, मैंने लगाई है मशीन क्योंकि आपको पता है, हाँ मैंने बनाई थी वीडियो, आपको पता है कब मेरी मशीन ना थोड़ी बूढ़ी हो रही है तो वो इतना ज़्यादा मेरा ये होता है कि कपड़े जमा ना, उस दिन मैंने कपड़े धोए हैं तो मेरे इतना ज़्यादा दर्द था। वो जो हस्बैंड कह रहे थे कि आप दिल के दर्द के बहाने बनाती हूँ, मैंने पिछली वीडियोस में डाला था कि आप मेरे ना मुँह से निकल गया कि शुएब मुझे लग रहा है मेरे दिल में दर्द है, तो कहते हैं वो फिर आज मैंने कहा चले मैं फिर थोड़े थोड़े ही धो लूँ, ये ना हो कि ख़राब हो और दिल का दर्द हो। अभी ना मैंने यहाँ स्पेस छोड़ी हुई है, सीढ़ी बनेगी और इसके नीचे वॉशिंग मशीन का एरिया सारा वहीं सेट होगा इधर, तो वही करना है। अब ना हम जो लाए थे ना पाए, वो पाए बनाने हैं। शुएब कह रहे थे पाए बनाओ आपकी मर्ज़ी है, कीमा आलू बनाओ आपकी मर्ज़ी है, तो हानी क्या बनाया जाए? कीमा पाए इनको अच्छे नहीं लगते लेकिन ये कि आज मैं घर हूँ सो मैं पाए ही बना लेती हूँ। सबसे पहले ना मशीन में से कपड़े निकाल लेते हैं और मशीन का ऊपर से स्विच निकाल के ही मैं वो करूँगी क्योंकि करंट का भी खतरा है, मशीन मुकम्मल हमारी ना ख़राब हो चुकी है। तो ये देखें निकाल लिया मैंने और इसके कपड़े निकालते हैं। आप मेरे साथ साथ ही आज रहिएगा, टाइम जो है वो हो रहा है 6:05 का और ऐसा समझ लें कि 10 हो चुके हैं मुझे मशीन लगाए हुए और दोबारा से मैं अपने काम का आगाज़ कर रही हूँ और साथ साथ वीडियो भी शूट करते रहेंगे। आप भी हमारे साथ ही रहिएगा ना। अम्मी भैंस के पाँव बनाऊंगी, अम्मी मज़े के होते हैं, ताकतवर होते हैं। यहाँ कपड़े हानि समेट रही है, भैंस के पाँव बनाएंगी। तो ये देखें एक चक्कर मैंने निकाल लिया है और दूसरा मैंने डाल लिया है ना। अब आ चुके हैं किचन में हानो मम्मा, सबसे पहले तो ये बोतलें भर के रख दो और यहाँ से ये ले जाओ, ये चीज़ें ले जाओ। मैंने ना आकर ना सामान ऐसे ही रख दिया था तो अब नीचे से हम उठाते हैं। हाँ ये हैं जी, वो भी है हानि से कर और इसके अंदर ना ये देखें ये है जी पाए और ये है कीमा। कीमा फिलहाल रख देते हैं अभी, साथ साथ हम ना पाँव का मसाला बनाकर इसको चूल्हे पे रख देते हैं ना, कुकर उठा लेते हैं क्योंकि मेरा बहुत डर्टी हुआ पड़े पाए। वो पाए ना मैंने निकाल लिए हैं तकरीबन 7-8 और आज अगर किसी ने मेरे घर वो पाया रेसिपी अगर नोट कर लिया ठीक है, देखते हैं और बड़े हो थोड़े वो भी आप मेरे साथ ही रहिएगा ना तो आपको पाया रेसिपी जो है ना वो बताएंगे कैसे बनती है। ये देखें हर जगह नहीं आगे से थोड़ा क्लोज करो। अच्छा इसके अंदर ना हमने अभी फिलहाल बहुत कम पानी रखना है ठीक है, थोड़ा सा पानी है तकरीबन 1 दो पाई है ना मतलब बड़े पाई हैं ये 2 पानी रखा है। इसके अंदर सारा मसाला जहाँ शामिल करना है और इसको हमने 10 के लिए फिलहाल सिर्फ वो करना है पकाना है, कुकर बंद करना है ना ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम इसको रख देते हैं चूल्हे के ऊपर ठीक है, साथ में हम इन प्याजों की कटिंग करेंगे और ये डालेंगे। फाइनली देखें क्या क्या चाहिए हमें, हम लहसुन यहाँ जमा कर लिए ठीक है और ये देखें ये सारा सामान और ये छील कर ये भी इसी के अंदर जाएगा ना, मैं छील लूँ फिर आपसे मिलती हूँ। तो यह हम पीस लिए और अब हम इसके अंदर ना सारा मसाला जार शामिल कर देते हैं ठीक है। ये देखें और ये है मेरे पास सब्ज़ी।
मैम ताबा देख रही हूँ। मैम ताबा 10 मिनट बाद जो है ना हमने कुकर को खोलना है और इसकी पहले से कर लेनी है जी भुनाई। ऑयल शामिल करने हैं, मसाला जात शामिल करने हैं, जितनी स्पाइसेस आप खाना चाहें उतनी। ये पानी मैंने अलग कर लिया है। यहाँ कोई भी मिसाला आपके पास रखा हो, मेरे पास यहाँ रखा है फ़िश मिसाला तो मैं वो शामिल कर रही हूँ। आपके पास ए टू ज़ेड कोई भी रखो, कोरमा हो, बिरयानी हो, कुछ भी हो तो आप डाल सकते हैं। इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है ना। ये सारी मिसाला जात हम पीस लेते हैं और ये भी इसके अंदर ही डाल देते हैं और इसकी अच्छी तरह करते हैं जी भुनाई। अब हम आ चुके हैं जी अपना कपड़े धोने, और कुछ कपड़े जो है ना हमारे धुल चुके हैं और थोड़े से रहते हैं। हम सालन भी साथ साथ बनाते रहे और कपड़े भी वॉश करते रहे, थोड़े से बाकी रह गए, इनको भी हम धो लेते हैं। ये देखें जी, ऊपर से स्विच निकाल कर ही मुझे जो है ना निकालने पड़ते हैं, और बच्चे आ जाएंगे वो सारे खुश्क करेंगे और मैं यहाँ सारे वो कर लेती हूँ, और उसके बाद जो है ना किचन में आपके साथ होगी जी मुलाकात। जल्दी जल्दी कपड़े धो लेते हैं पहले। 6:05 का मैंने आपको दिखाया था टाइम, और अब 8:05 हैं फायर का। अब मैं देखती हूँ और इनकी सूरत हाल भी देख के कैसे हैं। मैं ना बर्तन धोए हैं, कपड़े धोए हैं, अभी खा रही हूँ। तो आटा गूंदा है और हस्बैंड के नखरे सारे ने आटा गूंदा है। वो कहती है मम्मा मेरा काम आप नहीं दिखा। अच्छा अब रोटी तो खैर उसको मैं कह दूँगा जो कवर करिए। देखें फेट के लिए चावल उबल रहे हैं, गुर्दों के मरीज हैं लेकिन चावल बहुत खाते हैं। तो अब ये जो है ना निकलता है ना, मतलब क्या होता है ऐसी गैस, जैसे इसकी गैस निकलती है। तो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ओह बैठ गई मैं ना, थक गई। वैसे मेरे से खड़े होकर उतने क्यों काम नहीं होता। तो अब ये देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पाए जाना, पापा के साथ साथ मम्मा भी बीमार हो जाती हैं। ये देखें ये पाए बन गए हमारे माशाल्लाह से, गल गए तो नहीं गले। 2 घंटे पकने के बाद ना अभी भी ये गले नहीं है। खैर बच्चों को खाना तो मैं दे देती हूँ, मैंने अच्छी तरह से चेक किया है, अभी तक ना ये गले नहीं है। तो इसको दोबारा हम बंद करके ना, जब तक सोते नहीं है तब तक ये खड़ा रहेगा चूल्हे पर ना। वो बॉयल हो चुके हैं जो कि इसको दम पे लगाते हैं। अभी आपको बताया कि कच्चा क्या खाने में पाए जो हम लाए थे पाए। हाय अल्लाह क्या इतना गंदा लग रहा है खाना यार। तो ये अंडा बनाते हैं सबसे पहले। 2.5 घंटे लग सकते हैं। आधा हानी खाई। आपने क्या खाने हैं? तो यहाँ से निकाल लेते हैं और हमने खाना और फिर इसको दोबारा ना बंद कर देंगे। इसके अंदर डालते हैं पानी और इसको दोबारा से बंद कर देते हैं। यहाँ मुझे शुएब की डिश लगानी है, चटनी बनानी है और साथ में सलाद काटनी है, और उन्होंने राइस कहे हुए हैं वो भी बॉयल वो हो चुके हैं। और यहाँ मैं एक थोड़ा सा जो है ना नली रख देती हूँ क्योंकि इसके अंदर वाली मिक्स जो है ना वो हो चुकी है। थोड़ी सी दाल रखी है जो पड़ी हुई थी, चावल इसके अंदर डालते हैं, चटनी बना लिए, सलाद बना लिए। तो जल्दी से पेश करते हैं इनको, भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है और शोर मचाया।
सो शुएब की तबीयत ख़राब है, इनको मेडिसिन भी देनी है, तो खाना जिस जिसने खाना है जी आ जाएँ। बहुत ही मज़े के पाए जो है ना वो बन चुके, अभी थोड़े से कच्चे हैं, सुबह सही हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा ख्याल, हमें रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।